Dear students, I hope you all are fine. Okay, so today we will do Hindi subject. Okay, so you have to take out your Hindi CW book, page number 29. Okay, take out page number 29. See here, Shahid Shabd Chunkar Vakya Purna Karo. Okay, ye shabd aapko brackets mein se dekke likhna hai. Okay, so you have to write with me. One, yah. क्या बोलना है आपको? यह खेल बोलेंगे, ख के ऊपर एक मात्रा. ओके, ऐसे नहीं बोलेंगे, सीधा ऐसे बोलेंगे खेल. यह खेल का डैश है. यह खेल का फिर ब्लैंक है और फिर लिखा है और ब्रैकेट में है मैदान. स्कूल, मैदान आएगा कि स्कूल आएगा? यह खेल का स्कूल है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम. यह खेल का मैदान है, ग्राउंड है. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर मैदान. मैदान और ऊपर लाइन खींचनी है आपको, ठीक है? यह खेल का मैदान है. ओके, रिटर्न. नाउ सेकेंड डैश. झल की झलकी रानी है. कौन झलकी रानी है? तितली झलकी रानी होती है. जल मतलब पानी, तितली रहती है पानी में कि मछली? मछली, राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मछली. ओके, इन दिस ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक में आपको लिखना है म छ और ली. ओके, और ऊपर स्लीपिंग लाइन. ओके, यहाँ पे आपको टिक मार्क भी करना है स्टूडेंट्स, ये भूलना नहीं. मैदान के ऊपर टिक मार्क और मछली के ऊपर टिक मार्क भी करना है, ठीक है? नाउ थर्ड वन, मेरा नाम. मेरा नाम, मेरा नाम डैश है. शेर कैलाश. क्या कोई किसी का नाम शेर होता है? नहीं, कैलाश होता है, राइट. सो यहाँ पे हम ब्लैंक में लिखेंगे कैलाश. कैलाश, कैलाश के ऊपर टिक मार्क. मेरा नाम कैलाश है, हम इसे बोल सकते हैं माय नेम इज कैलाश, लाइक दैट. फोर्थ वन डैश मत कर. मत कर क्या नहीं करना चाहिए? पैर मत कर कि शैतानी मत कर? आपके मम्मी आपको कभी आप शैतानी करते हो, क्या बोलती है मम्मी? शैतानी मत कर, परेशान मत कर, ऐसे बोलते हैं ना. तो शैतानी, शैतानी के ऊपर टिक मार्क और यहाँ पे हम लिखेंगे श के ऊपर दो मात्रा. शैतानी, शैतानी, शैतानी मत कर. नाउ फिफ्थ वन, मेरे डैश का नाम दीपक है. मेरे डैश का नाम दीपक है. किसका नाम दीपक है? भैया का नाम कि बेल का नाम? भैया, राइट. यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे भ के ऊपर दो मात्रा. भैया, भैया, मेरे भैया का नाम दीपक है. वी कैन से लाइक दैट. ओके, सो दिस फाइव यू हैव डन इट. ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ वन दैट इज डैश देश. देश की रक्षा, रक्षा करता है. देश, देश की रक्षा करता है. देश, देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक. तैराक, सैनिक मतलब सोल्जर्स. तैराक मतलब स्विमर्स. स्विमर्स हमारे देश की रक्षा करता है? नो, सैनिक सोल्जर्स, राइट, दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री. सो हियर वी राइट द सैनिक. ये सैनिक के ऊपर आपको टिक मार्क करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे सैनिक, सैनिक. ओके, आफ्टर दैट सेवेंथ वन, खुशी को डैश नहीं आता. खुशी को डैश नहीं आता. क्या नहीं आता देखते हैं चलो. हैरान नहीं आता? नो. तैरना नहीं आता, उसको स्विमिंग करना नहीं आता है, ऐसा है.
ओके सो यू हैव टू टेक मार्क ऑन तैरना और यहाँ पे हम लिखेंगे तैरना. नाउ एट वन सी डैश चलने से सेहत अच्छी होती है. डैश चलने से सेहत मतलब हमारी हेल्थ अच्छी होती है. पैदल हैदर चलने से या पैदल चलने से बाय वॉकिंग आर हेल्थ बिकम्स गुड. ओके ऐसा इसका मीनिंग है. तो अगर हम चलते हैं हर रोज़ वॉकिंग करना होता है, हर रोज़ एक्सरसाइज करनी होती है वॉकिंग राइट, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. सो पैदल यू शुड टेक मार्क ऑन पैदल और यहाँ पे हम लिखेंगे पैदल मतलब वॉकिंग. ओके पैदल. नाउ नाइन्थ वन सी डैश काटती है. कौन काटता है? गवैया मतलब सिंगर्स. ततैया इज वन टाइप ऑफ इंसेक्ट. ओके सो ततैया काटती है. सो राइट हियर ततैया. नाउ लास्ट वन सी उसके डैश में चोट लगी है. उसके में चोट लगी है. पैर में कि बेर में? पैर होता है ना, पैर में चोट मतलब लेग में चोट है उसको. सो पैर में चोट लगी है मतलब उसके लेग में कुछ लगा है उसको. ओके सो यू हैव टू टेक मार्क ऑल्सो ऑन पैर और यहाँ पे हम पैर लिखेंगे. ओके उसके पैर में चोट लगी है. ओके स्टूडेंट्स सो दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर CW एंड SW एंड प्लीज रिवाइज दिस. ओके अच्छी तरह से रिवाइज करना. ओके सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस CW बुक यू हैव टू टेक आउट प्रवेशिका बुक स्किल शीट नंबर 14 एंड 15. ओके दिस दोनों पेज आपको करना है होमवर्क में. ऊ की बड़ी ऊ की साउंड है यहाँ पे. ओके ऊ से ऊन. ओके ये सब साउंड्स आपको अच्छी तरह से बोलना है और लिखना है. ओके स्टूडेंट्स प्लीज डू इट. थैंक यू.